हाय दोस्तों, नमस्कार। और देखिए, आज शाम का समय हो रहा है और मैं बनाने जा रही हूँ आज भकोसा। और आज मेरा शाम का खाना यही होगा, भकोसा। और आइए मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं कैसे बनाती हूँ भकोसा। और देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ। ये मेरी दाल है और ये दाल मेरी भीग गई है। और ये है लहसुन, मिर्चा और जीरा। इसका बनाऊंगी पेस्ट और फिर मैं अलग तरीके से आपको मैं भकोसा बना के दिखाती हूँ। और चलिए, अब मैं पीस लेती हूँ दाल को। पहले मैं दाल पीसूंगी और फिर इसके बाद मैं लहसुन, मिर्च और जीरा का पेस्ट पीसूंगी। फिर मैं दिखाती हूँ। और ये पिस गई है दाल। और मैं इसको मैंने सिलबट्टे पे पीसा है इसलिए कि ये थोड़ी मोटी पीसे। और मिक्सी में अगर पीसो तो ये पानी डाल के पीसना पड़ता है, तो महीन हो जाती है, बिल्कुल बारीक सी हो जाती है। और ये है लहसुन और मिर्च का पेस्ट, लहसुन मिर्च जीरा का पेस्ट, ये मैंने डाल दिया है। और इसके डालने के बाद ये मैंने नमक डाल दिया है, ये मैंने नमक डाल दिया। और ये हींग डाल दिया है। और मैं इसको और इसको अच्छी तरीके से मिलाऊंगी। देखिए, इससे क्या है, लहसुन डालने से यह फ्लेवर अच्छा आता है। ठीक है, ये मिक्स हो गई मेरी दाल। और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और मैं अब गूंथ लूँ आटा। आटा गूंथने के बाद मैं इनको गुजिए के आकार में भरूंगी और फिर मैं फिर आगे दिखाती हूँ कि मैं भकोसा कैसे बनाती हूँ और टेस्टी भकोसे बनेंगे। ये गूंथ गया है आटा और मैं इनकी छोटी छोटी लोइयाँ बना के और फिर मैं इनको भरूँगी। आइए दिखाते हैं कि मैं गुजिए के आकार के मैं बना लेती हूँ। ये देखिए, ये गुजिया बनके सारी हो गई है तैयार। ये देखिए, दो जगह है गुजिया। और मैंने ये रख दिया है भगोने में पानी गर्म होने के लिए। और जब ये पानी गर्म हो जाएगा, उबलने लगेगा, तब मैं इसमें गुजिया डालूँगी। और जब ये गुजिया पक जाएगी अच्छी तरीके से, तब फिर मैं इनको ठंडा करके और इनके मैं पीस काटूँगी। और फिर इसके बाद हींग और जीरा डाल के मैं कलारूंगी और फिर इसको मैं चटनी के साथ सर्व करूंगी। और आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगे तो और शेयर करिए, लाइक करिए और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये देखिए, और पानी खौल गया है और मैं इनमें एक एक करके सारी गुजिया छोड़ देती हूँ। इनको होने के बाद मैं इस वाले चमचे से मैं इनको धीरे से आसानी से ऐसे करके मैं ऐसे उठा देती हूँ। और ये जब तक मेरी गुजिया उबल के तैयार हो जाएगी। और ये मैंने सारी गुजिया
डाल दी है। ठीक है, अब मैं इनको 20-25 मिनट पकने दूंगी। और अब हमारे भकोसे ये देखिए उबल के हो गए हैं तैयार, ये अच्छी तरीके से पक गए हैं। और मैं अब इनको पीस पीस करके काटूंगी और काटने के बाद मैं इनको फ्राई करूंगी। तो चलिए पहले मैं इनको काट लेती हूँ। ये देखिए अब हमने ये पीस पीस तैयार कर लिए हैं और अब हम इनको फ्राई करेंगे। ये हमने कढ़ाई में तेल डाला है और हमारा ये तेल हो रहा है गरम, और तेल गरम हो जाएगा तो फिर मैं पहले डालूंगी जीरा और फिर डालूंगी हींग। हींग और जीरा डाल के मैं फ्राई करूंगी और फिर आप इस तरह से बनाइए। ये देखिए हमने डाल दिया है जीरा, और ये हमारा पड़ गया हींग। हींग से फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। और ये हमने डाल दिए ये देखिए हमारे फ्राई हो गए हैं पकोसे। और आप इस तरीके से बनाइए और टमाटर और क्या कहते हैं टमाटर और धनिया की चटनी के साथ खाइए और आप देखिए कि ये बहुत अच्छे लगेंगे खाने में। ठीक है, आप कमेंट में बताइए कि भकोसे हमारे कैसे लगे। नमस्कार।